ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस कोविड हेल्पडेस्क के दरमियान हम आज से बिंदु से 10th और सीबीएसई क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज मैं क्लास 10th के अंतर्गत ये जो टॉपिक है जिसमें पैसिव कंस्ट्रक्शन ही पढ़ाने जा रहा हूँ, पैसिव कंस्ट्रक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जान गए हैं, दसवीं बोर्ड में टॉपिक 2 मार्क्स का है। यू नो वेल वेरी वेल, दसवीं में 2 नंबर के पैसिव वॉइस आते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनना। चूंकि हम बिजली माध्यम से तो हमें जानना चाहिए कि एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तवाची। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? कर्तवाची और बीवी, यानी कि कर्मवाच्य। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, बोर्ड रूल्स, हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने आता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने आती है। तो डियर स्टूडेंट, बीच में आपको कहना चाहूंगा कि वैश्विक महामारी के दौरान आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, इसको आप अच्छे ढंग से सीखे, इसका फायदा उठाए, अपने स्टूडेंट्स को बताए। जैसे कि मैंने बता दिया, कल से सभी स्कूल है जो क्लासेस वगैरह है सब्जेक्ट स्कूल। चलिए नाउ कम टू द मेन पॉइंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल सेंटेंसेस हो या नेगेटिव सेंटेंसेस हो, यानी कि साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनकी हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इन दोनों के लिए पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं। ध्यान से स्टूडेंट, आपको जिंदा समझिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब, यानी कि कर्म को बनाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे जो वर्ब है उसको तीसरी फॉर्म ऑफ क्लास डिग्री वर्ब, थर्ड वाक्य में अगर शेष कुछ बचता हो, एंड लास्ट स्टेप होगा सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होंगे। ये ज्यादा आप लोग डीपी और देख लो कहां मिलता है। जैसे मान लीजिए रॉट ए लेटर टू मोहन, सिंपल वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चूज करने के बाद हमें यहां सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा मिलता है मेन वर्ब के बाद, दूसरा के नीचे स्टूडेंट्स में भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये एमवी है, इसके बाद में ए लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लिखना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप टू स्टेप ऑब्जेक्ट टू लिखना है सब्जेक्ट। तो ये हो गया ए लेटर। अगेन दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि है रेखा इज वॉचिंग ए टीवी सीरीज। हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएगा। सिंपल वाक्य सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से करें।
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद डेफिनेटली वर्ब मैंने बताया था मैन क्रिया के बाद निकल गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ए डिवी सीवियर भी यहाँ पे आएगा, ए डिवी सीवियर भी यहाँ जाएगा ए। सिंपल वाक्य हो, नेगेटिव हो, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या आपको लिखा बनाना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट बनाना है। वर्ब के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप को एक बार छोड़ते हैं। थर्ड स्टेप एक फिक्स है जो स्टेप के बारे में बताया है। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो क्रिया थर्ड हो जाती है। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाती है क्रिया को थर्ड बनाना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट हो सेकंड बना एनजी आई एनजी हटा के और मैं सी एच हटा है उसको भी हटा के क्या करनी पड़ेगी, क्रिया क्या करनी पड़ेगी थर्ड। ध्यान से अगर दुविधा में एनजी के भी आप स्टूडेंट हो और अब करनी पड़ेगी थर्ड। लास्ट वाक्य में अगर कुछ शेष पार्ट है बच्चों को भाग को लिख देंगे और लास्ट स्टेप को आप उसे देखेंगे। लास्ट स्टेप इसमें जो शुरू का सब्जेक्ट होगा उसको वाई लगाकर ऑब्जेक्ट होते हैं, कहते हो इसमें जी है, जैसे यहां एक्टिव इसमें ही है बाय लगाकर सब्जेक्ट बदल जाएगा हिम में, ही बदल जाएगा बाय में, सी है वो हर में बदल जाएगा और आई बाय लगा के मी में का नॉट हो जाएगा। ठीक यू का यू रहेगा नो चेंज, इट का इट रहेगा नो चेंज होगा, नेम नेम का नेम भी रहेगा। ये लास्ट स्टेप है सब्जेक्ट को बाय लगा दो, एक स्टेप अभी बचा हुआ है मेन चीज ये है। ये हो गया कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं नए जिनको लिखते हैं ना बदलते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं उनको, ये भी ध्यान रखना है अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। पेशवाइज बोलते हैं ना तो बाय लगता है इनको लिखना पड़ता है। अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इनका महत्व नहीं होता है, जिन्हें वे होते हैं स्पष्टता इनको लिखना नहीं है। जैसे ये है वन समवन एनीवन समबॉडी नो बॉडी एवरीबॉडी और